ये है इंडिया। अभी बगैर वीज़ा के हम लोग इंडिया में दाखिल होने लगे। मैंने 3 बार वीज़ा अप्लाई किया था, इंडिया का रिजेक्ट हो गया था, और आज मैं बगैर वीज़ा के इंडिया में दाखिल होने लगा। टिकट घर ग्लोबल विलेज का ये एंट्रेंस है, और आज इतना रश है तो बता नहीं सकता। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। मेरे पीछे है ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस। अब दोस्त टिकट लेने गया, वो टिकट लेके आ जाए तो फिर हम लोग एंटर होते हैं। बाकी आपको फिर ग्लोबल विलेज अंदर से जाके दिखाते हैं। ये 3-4 दिन हुए इसको स्टार्ट हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये है 15 दिरहम का टिकट, ये है एंट्रेंस इसकी। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। अभी जब आप अंदर आ चुके हैं ग्लोबल विलेज के, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे नज़ारा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यमन का पोडियम इन्होंने ले आए हैं इधर। ये भाई साहब आए हैं मेरे साथ। ये सारा शहद पड़ा हुआ है, हज़ारों किस्म का शहद इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन तस्वीर ये यमन का हिस्सा है, इन्होंने बनाया हुआ है सारा अंदर। इसमें शहद ही सबसे ज़्यादा है। अभी हम बेसिकली यमन के पोडियम में मौजूद हैं, और बाकी अभी हम यमन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ग्लोबल विलेज की। अभी हम यमन के पोडियम हैं, और बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है पूरा। इनका कल्चर चेक कर सकते हैं, शहर की बहुत ज़्यादा खाने बनाई हुई हैं इन्होंने, और ये आप देख सकते हैं इस साइड पे बहुत सारी। इस पूरे कल्चर को आप चेक कर सकते हैं यमन के इधर, ड्रेसेस, इनके मसाला जात, हर चीज़ें। ये भी सारी शहद ही है। अभी हम यमन के पोडियम से निकल के जा रहे हैं आगे दूसरे किसी मुल्क के पोडियम, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है ईरान का पोडियम। ये एंट्रेंस है इनकी इतनी बड़ी। अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं इनका कल्चर। अभी आपको ईरान के पोडियम को दिखाते हैं अंदर से आगे। अभी ईरान के पोडियम के अंदर हूँ। सेल्फी कैमरा चलाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको कैमरे के पीछे से ही गाइड करता चलता हूँ। इसमें भी इन्होंने इसका सारा कल्चर ईरान का दिखाया हुआ है, ड्रेसेस, स्पाइसेस, ज्वेलरी, सब कुछ। तो आपको जैसे जैसे नज़र आती है मुझे दिखाने, आपको दिखाता हूँ। ये ज़ाफ़रान है जनाब इधर, ये ईरानी पत्थर जो बड़े मशहूर हैं इधर हैं बहुत सारे। बार बार आओ तो फ्री देना देना थक जाते ना। कहते ऐसी वीडियो बनावा ना। ये था ईरान का पोडियम। हम इधर से निकल रहे हैं और अगले मुल्क में जा रहे हैं। अगला किस मुल्क का पोडियम आपको दिखाते हैं, शायद इंडिया है। ये अगला शहर है मोरक्को। अभी हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं इसका कल्चर वगैरह। ये मोरक्को के अंदर एंटर हो चुके हैं हम लोग। ये मोरक्कन शूज़ हैं जनाब।
ये भाई साहब बना रहे हैं इधर कुछ ड्रेसेस वाली दुकान है इनकी, इधर तो अलाउ नहीं करते ये। इसमें देखने के लिए कुछ इतना खास नहीं था, अभी हम बाहर जा रहे हैं इधर से भी मोरक्को से वापस जा रहे हैं, इधर कोई इतना खास नज़र नहीं आया हमें, ये ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह हैं। आगे सऊदीया का है वो दिखाते हैं आपको, ये भाई साहब जा रहे हैं पहले फिर मैं आ जाता। सो ऑफिशियली हम लोग इंडिया में दाखिल हो चुके हैं विदाउट वीज़ा, नो वीज़ा रिक्वायर्ड। इतना कुछ खास नहीं है, ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, साड़ियाँ वगैरह, शॉल्स हैं, शूज़ हैं, बस और कुछ इतना खास नहीं है इंडिया के पोडियम में। लेकिन देख लें जो जो कुछ है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो वीडियो तफसील से बनाएंगे ना हम। इंडिया का पोडियम काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है इधर, और बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के और फैमिलियाँ इधर बगैर वीज़ा के आए हुए हैं। दुबई की ये बात है, इन्होंने सारे कल्चर इकट्ठे कर दिए, इंडिया पाकिस्तान चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, सारे इकट्ठे बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं इधर, काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। वाहिद ये चीज़ है जो हमारी अप्रोच में 5 दिरहम वाली। इंडिया से हम निकल रहे हैं बगैर वीज़ा के, हम लोग आए थे तो इससे पहले कि हमें को पकड़ ले तो हम लोग इधर से निकल रहे हैं, फिर दूसरे किसी पोडियम में जाते हैं। बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई है इन्होंने, एशियन लोग जिधर जाते हैं ना फैल जाते हैं। ये सारा इंडिया का पोडियम से हम निकल के आए हैं, ये दूसरी तरफ दूसरे पोडियम है, चाइना, अफ्रीका और ये इसका नाम नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है, इनकी तरफ भी जाते हैं अभी इधर से होके। अभी लोग हम चाइना में एंटर हो रहे हैं, वैसे तो वीज़ा 95,000 के पाकिस्तान से, इधर से हम फ्री एंटर हो रहे हैं। ये है अफ्रीका, इधर अभी हम जा रहे हैं, ये है अफ्रीका का पोडियम और अभी हम इसमें जा रहे हैं। इन्होंने सही अपना कल्चर जो है ना इधर मेंटेन किया हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा क्रीमें और मास्क रखे हुए हैं, लेकिन ये खुद सारे बेचारे काले हैं मेरी तरह। अफ्रीका टोटल कंटिनेंट था, इसमें कीनिया, युगंडा, नैरोबी और जितने भी अफ्रीका ममालक हैं उन सब की प्लेस थे, दुकानें थी, सब कुछ था। अभी इधर से हम बाहर निकल रहे हैं, अगले आपको किसी मुल्क की सैर करवाते हैं। समझ नहीं आ रही है, इतने ज़्यादा मास्क और करीमें बेच रहे हैं, ये मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रही है, ये खुद ये सारे काले हैं मेरी तरह और करीमें इतनी ये बेच रहे हैं वाइटनिंग की, समझ नहीं आ रही है बात। हम लोग दाखिल होने लगे हैं इजिप्ट में, ये सर वो भी दिखाते हैं आपको नज़र आ रही है। मिस्र शीशे का बहुत शौकीन होते हैं तो لا لا عايز والله انت اه لا انت عايز
I had a plan. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar?